भारत का श्रीलंका दौरा, जी हाँ, कौन होगा कप्तान T20 का, हार्दिक पांड्या या सूर्य कुमार? सबकी निगाहें हैं आज होने वाले जो भारतीय टीम की घोषणा है। ऐसे में देखना है कि ये बहुत ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि कौन होगा कप्तान और टीम में कौन होंगे शामिल। हालांकि आपको मैं बता दूं, जब से भारत T20 वर्ल्ड का खिताब जीता है तब से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि टीम में बहुत बड़े फेरबदल होंगे। वैसे क्योंकि रोहित शर्मा, इसके अलावा विराट कोहली और रवि जडेजा, इन्होंने T20 से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। ऐसे में देखना है नए चेहरे और नए कप्तान देखने को मिलेंगे जो आगे चल के कई काफी अरसे तक रह सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से क्रिकप्लेक्स पर जो आज टीम की घोषणा होनी है, देर शाम तक ये नतीजे आ सकते हैं। और हाल ही में एक सीरीज हुई थी जिम्बाब्वे के खिलाफ जिसमें शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया था, 4-1 से वो श्रृंखला T20 की भारत के नाम रही। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ऐसे में ये देखा जा रहा है कि कौन से और खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, गिल यशस्वी के साथ ओपन करने के लिए आ सकते हैं, ये भी संभावना है। ऋतुराज और अभिषेक की भी जगह लगभग बनती है। ऋषभ पंत कमबैक करके आ सकते हैं, संजू सैमसन भी रह सकते हैं, हार्दिक पांड्या का साथ मिलेगा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव। देखिए ये तीन खिलाड़ी हैं जिनमें से दो ऑलराउंडर हैं, कुलदीप को छोड़ दिया जाए। ऐसे में मेरा मानना है कि दो का तो लगभग चयन होना तय है, जिसमें अक्षर पटेल और कुलदीप यादव का तो लगभग माना जा रहा है कि वो आ सकते हैं। अर्शदीप, मुकेश कुमार, आवेश और हलीम, इन चारों में से भी एक दो चेहरा हम देख सकते हैं। हालांकि मोहम्मद सिराज का टीम में आना बिल्कुल स्वाभाविक सा लग रहा है। कमोवेश यही रह सकती है T20 की टीम, लेकिन क्या आप जानते हैं वनडे में थोड़ा सा फेरबदल होगा। KL राहुल आ सकते हैं, श्रेयस अय्यर आ सकते हैं, रवि जडेजा आ सकते हैं, और वहां भी देखना है तेज गेंदबाजी में अर्शदीप के साथ में क्या खलील, मुकेश और आवेश खान में किसे मौका दिया जाता है। हालांकि एक और मैं नाम बताना चाहूंगा, ऋतुराज गायकवाड़, ये लगभग दोनों फॉर्मेट में फिट बैठते हैं। ऋषभ पंत का तो लगभग तय है कि वो बतौर विकेट कीपर टीम के लिए रहेंगे। KL राहुल ओपनिंग में आ सकते हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा, श्रीलंका का ये दौरा जब हो रहा है तो इसमें नए कप्तान, नए कोच और कुछ नए चेहरे देखने को मिलेंगे। दोस्तों क्या आपको एक और घटना याद है, 2021 का दौरा श्रीलंका का, युवाओं से गई थी टीम शिखर धवन के नेतृत्व में। उस समय काफी ज्यादा युवा थे, 3 T20 और 3 वनडे मैच हुए थे उस दौरान भी। जुलाई का ही महीना था 2021। हालांकि वनडे तो भारत ने श्रृंखला जीती थी, लेकिन T20 2-1 से हारा था। ऐसे में दिलचस्प हो जाता है, सेम कंडीशन, सेम माहौल है और टीम युवाओं से थोड़ा लबरेज रहेगी। देखना 2021 और 2024 में कितना फर्क होता है श्रीलंका दौरे पर।